1111। गाइस कैसे हैं आप सब? गाइस नवरात्र का महीना सॉरी दिन चल रहा है, आज नवरात्र है, तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आप सभी को आशीर्वाद दे कि आप लोग हमेशा सलामत रहे। मस्ताना मौसम है जी गाइस, मस्ताना मौसम है, हवा चल रही है। ज़रा दिखा दो मौसम कितनी सुंदर हवा चल रही है, ये देखिए। और आज की जो मेरी कैमरा मैन है वो मेरी ही भतीजी है, ममता नाम है। ममता वहीं से हाय कर दो, हाय करो, बोलो हाय। हेलो। चलिए मैं इससे बाद में आपको मिलवाती हूँ। अभी क्या है ना कि मुझे मेरी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर ने मुझे कॉल करके बाहर बुलाया है टेलर के पास, तो हम लोग वहीं जा रही हूँ मैं। तो क्यों जा रही हूँ, क्या होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू रहिए, तभी आप लोगों को पता लगेगा। तो गाइस ये देखिए हमारे टेलर वाले भैया जो कभी भी टाइम से डिलीवरी नहीं करते हैं। झूठ नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने कुर्ता खरीदा था, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए बोला था, स्टिच करने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक इन्होंने स्टिच नहीं किया। जल्दी करा, दुकान पर पुराना वाला है ना, इसे आपने दिया, नया वाला दिया ना, वो जल्दी देना पड़ेगा। क्या नया वाला, पहन के जाना शादी में, शादी में पहन के 200 पहन के जाना। क्यों 200 पहन के, दूसरा नहीं है मेरे पास। अगर मेरा किसी तो काटना है। और ये रही मेरी सिस्टर, ये मेरी सिस्टर की बेटी, ये मेरी कैमरामैन, और ये भी मेरी बेटी है। चेहरा दिखाओ ना, हाँ इसका, अरे मुंह से हटा। क्या तुम्हारा नाम क्या बताओ? अंजलि। जोर से बोलो अंजलि। खाना नहीं खाया? नहीं खाया। कौन से क्लास में पढ़ती हो? कौन से क्लास में पढ़ती हो? थर्ड सेमेस्टर। वाह बहुत सुंदर लग रही हो। तो गाइस अभी मैं अपनी बच्ची को लेकर, बहन की बेटी को लेकर घर जा रही हूँ, क्योंकि बहन को भी टेलर की दुकान में कुछ काम है, तो मुझे भी थोड़ा काम है घर पे। तो चलिए आगे क्या क्या होता है देखिए, बने रहिए कंटिन्यू। तो गाइस आते आते रास्ते में मुझे दो पौधे मिल गए, ये देखिए, जिसमें से एक है अमरूद का और एक है मिर्ची का। तो सोचा क्यों ना इनको मैं लेके चलूँ और अपने घर के आंगन में लगा दूँ। वैसे गाइस पेड़ पौधे रहना बहुत ज़रूरी भी है, और प्लांटिंग करना चाहिए, गार्डनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोगों को पता ही है। जैसे कि हमारा जो अभी नेचर है डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, तो थोड़ी बहुत मेहनत हमें भी करनी चाहिए। यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे नदी के साइड में यहाँ हम रहते हैं गाइस, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे जो गेंदा फूल के पेड़ हम लोगों ने लगा के रखे हैं, ये देखिए। वो मेरी भाभी आई है परसों, वो मेरी बुआ की बहू है। भाभी हाय कर दीजिए। अरे हाय कर दिया। बेटी कहाँ है? बेटी सो रही है। तो गाइस फाइनली मैंने मिर्ची का पौधा तो लगा दिया है, माता रानी की दुआ है कि ये हो जाए। तो गाइस अभी मुझे थोड़े कपड़े हैं धोने, जो दिन से बारिश का कपड़े पड़े हुए थे, आप देखिए इसको मैं धो लेती हूँ। देख ही लीजिए, प्रैक्टिकली मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल के तो नहीं समझा सकती कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा पानी ले लेती हूँ पहले, क्योंकि हमारे जो हैंडपंप से जो पानी निकलता है वो पानी आयरन होता है, इसलिए मैं यहाँ फिल्टर करके तब कपड़े धोती हूँ इस पानी से।
तरीके से मैं पानी निकालती हूँ, कपड़े का जो पानी रह जाता है इसको ऐसे ही निचोड़ती हूँ मैं। और गाइज काफ़ी लोग सोचते हैं, अगर आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि मेरा ये इस हैंड के, मैं इस हैंड के ज़रिए इसका पानी मैं निचोड़ती हूँ यहाँ पे कपड़े रख के, तो क्या दर्द नहीं होता है? तो गाइज मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता, क्योंकि मेरा ये पार्ट जो है एकदम सेंसलेस है। इस पर क्या होता है नहीं होता, इसका दर्द चोट कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही मैं कपड़े का पानी निचोड़ती हूँ। तो गाइज ऑलमोस्ट मेरा कपड़ा जो धोना है वो कम्प्लीट हो चुका है, बस ये लास्ट एक साड़ी बची है तो मैं इसे डाल देती हूँ सूखने के लिए। सूखेगा भी क्या, यहाँ पे धूप का पता ही नहीं रहता है। अभी धूप किया था, अभी फिर छाँव हो गया, बारिश की तरह कर दिया। तो जब तक सूखेगा सूखेगा, वरना इसे मैं डाल दूँगी घर पे, घर के बरामदे में। तो गाइस मेरा यहाँ पे जो काम होता है ख़त्म, और मुझे नहाना भी है। देखिए कितने सारे कपड़े धोने पड़े हैं, और ऊपर से ये जो मेरी लीज़ा पीज़ा है, मेरी बहन की बेटी, वो मुझे परेशान कर रही है, तो इसका तो क्या कहना। मेरा कपड़ा धोना हो गया कंप्लीट। अब मैं जैसा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए ऊपर से नीचे तक मैं कैसे भीग गई हूँ। तो मुझे अब नहाना है, क्योंकि नहाए बिना तो ऐसे भीगे कपड़ों में रहना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जा रही हूँ नहाने। वीडियो को यहीं करती हूँ मैं एंड। आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, इसे भी काम करने का बड़ा शौक है कि अपनी मासी की ये हेल्प कर दे। हाँ बेटा हाँ। और एज़ यूजुअल मैं भी कहूँगी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूले। और गाइस अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय छठ मैया, बाय बाय।